नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अभिनीत वर्ल्ड में। दोस्तों, पनीर की डिशेस तो आपने बहुत खाई होंगी, पर आज जो रेसिपी हम आपके लिए लेके आए हैं वो बहुत ही यूनिक है, जिसे आप बार बार बनाना चाहेंगे। तो आइए नोट करते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। तो दोस्तों, इंग्रेडिएंट्स आपकी स्क्रीन पे हैं। हमने यहाँ टमाटो और अनियन को अलग अलग ग्राइंड कर लिया है। तो सबसे पहले हम एक पैन में अनसॉल्टेड बटर को गरम करेंगे। दोस्तों, यहाँ हमें फ्लेम को लो फ्लेम पे रखना है, जिससे कि मक्खन जल ना जाए। और अब बटर पिघल चुका है, इसमें हम डालेंगे बारीक कटा हुआ लहसुन और इसको भी हम लो फ्लेम पे भून लेंगे। देखिए दोस्तों, लहसुन अब पक चुका है। अब हम इसमें डालेंगे खड़े मसाले। हम यहाँ यूज कर रहे हैं दालचीनी, और अब हम इसमें डालेंगे तेज पत्ता। दोस्तों, खड़े मसालों को भी हमेशा मीडियम टू लो फ्लेम पे ही भूनना चाहिए, जिससे इनका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और एक अच्छी खुशबू भी हमें मिलती है। इन मसालों को 1 से 1.5 मिनट पकाने के बाद अब हम इसमें डालेंगे प्याज, जिसे हमने ग्राइंड कर लिया है। दोस्तों, प्याज को हमें अब अच्छे से भूनना है, जब तक ये ब्राउन ना हो जाए, और इसे हम बीच बीच में हिलाते रहेंगे। और अब हम इसे 2 मिनट के लिए ढक देंगे और इसे पकने देंगे। तो देखिए दोस्तों, अब हमारी प्याज पक चुकी है, ये थोड़ा सा तेल भी छोड़ रही है। और अब हम इसमें डालेंगे टमाटो प्यूरी। इसमें हमने टमाटर के साथ साथ हरी मिर्च को भी ग्राइंड कर लिया है। हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं 3 से 4 हरी मिर्च। और दोस्तों, अब हमें इस मसाले को अच्छे से भूनना है। ये रेसिपी बहुत सिंपल है, बट इसमें खड़े मसाले और प्याज टमाटर को देर तक भूनना है, इसी से सारा फ्लेवर आएगा। हमें इसे बीच बीच में हिलाते रहना है और फिर ढक देना है। ये देखिए दोस्तों, हमारे टमाटर पकना शुरू हो चुके हैं, इनका कलर चेंज हो रहा है। अब आप देख सकते हैं, 10 से 12 मिनट कुक होने के बाद ये करीब 50% कुक हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और करीब 1.5 से 2 चम्मच हल्दी पाउडर। और हल्दी पाउडर डाल के अब हम इस मिक्सचर को अच्छे से मिला लेंगे। और इसे अभी और भूनना है हमें। इसे हम ढक देंगे थोड़ी देर के लिए। और देखिए दोस्तों, अब करीब 80% कुक हो चुका है हमारे टमाटर, तो अब हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर। हम यहाँ डाल रहे हैं करीब 1.5 चम्मच धनिया पाउडर। इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब आखिरी के 20% जो बचा है, इसे हम हाई फ्लेम पे कुक करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अब हम फ्लेम को कर रहे हैं हाई पे, और अब इसे हम साथ साथ हिलाते रहेंगे ताकि ये जल ना जाए। दोस्तों, हमें इसे इतना अच्छे से भूनना है कि इसमें एक अच्छा स्मोकी फ्लेवर आए, बट साथ ही ये भी ध्यान रखना है कि हमारे टमाटर जलने ना पाए। तो इसे हम हिलाते रहेंगे और साथ साथ
तेज आंच पे पकाएंगे। आप देख सकते हैं इसका कलर काफी चेंज हो गया है, बट अभी भी ये पूरी तरह नहीं पका है। देखिए इसकी क्वांटिटी भी रिड्यूस होनी शुरू हो गई है और इसे हम काफी देर तक अच्छे से भून रहे हैं। तो देखिए अब क्वांटिटी कितनी कम हो चुकी है और कलर भी अलग हो गया है। अब हमारे टमाटर भुन चुके हैं, अब हम इसमें ऐड करेंगे करीब 200 ग्राम क्रीम। और दोस्तों ध्यान रखिए, क्रीम मिलाने के साथ ही हम आँच को कर देंगे वापस मीडियम टू लो, क्योंकि क्रीम को तेज आँच पे नहीं पकाना चाहिए, नहीं तो वो ऑयल अलग छोड़ देती है। और क्रीम को 2 से 4 मिनट तक हम पकाएंगे। और अब हम हमारी ग्रेवी में डालेंगे पनीर। तो हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं 400 से 500 ग्राम कॉटेज चीज़ या पनीर। दोस्तों पनीर हम थोड़ी थोड़ी मात्रा में मिला के इसे ग्रेवी में मिक्स करेंगे, ताकि पनीर पे ग्रेवी अच्छे से लिपट जाए। आप चाहे तो इसमें थोड़ा पानी भी मिला सकते हैं, ग्रेवी को जितना कंसिस्टेंसी आपको रखनी है उस हिसाब से। और अब हम इसे ढक के 2 से 3 मिनट और पकाएंगे। और अंत में हम इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, जो इसे कलर और थोड़ा सा तीखापन भी देगा। और दोस्तों इसे 1 से 2 मिनट हम और पका लेंगे। और बस अब आपका पनीर बटर मसाला तैयार है। दोस्तों आई एम श्योर कि जब आप इसे खाएंगे तो आप महसूस कर पाएंगे कि इसका फ्लेवर नॉर्मल पनीर की डिशेस से कितना अलग है। तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये डिश कैसी लगी। दोस्तों इस डिश की इंस्पिरेशन हमें हमारी एक फ्रेंड से मिली थी, आशा करते हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देख रही होंगी। सो थैंक्स टू हर एंड थैंक्स फॉर एवरीवन फॉर वॉचिंग।